नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। हाल ही में एक ऐसी शादी हुई कि दूल्हा नाचता रहा और दुल्हन ने अंदर किसी और से शादी कर ली। अगले दिन दूल्हे ने भी किसी और से शादी कर ली और जिस मंडप में दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे उसी मंडप में अलग अलग लोगों से शादी की। ये मामला है महाराष्ट्र के बुलढाणा के मलकापुर पंगणा गांव का। यहाँ पर 24 अप्रैल को प्रियंका नाम की लड़की की शादी होने वाली थी। शादी का मुहूर्त 4 बजे का था। बारात 4 बजे लड़की की जहाँ शादी हो रही थी वहाँ पर पहुँच तो गई, लेकिन मंडप और वेन्यू के बाहर बाराती नाचने लगे। इसी दौरान दूल्हा भी नाचने लगा और घंटों तक दूल्हा अपनी ही बारात में इतना नाचा कि वो मोहरत पे अंदर आ ही नहीं पाया और मोहरत भी बीत गया। लड़की वालों ने दूल्हे को कई बार बोला कि डांस ख़त्म करके अंदर आओ, लेकिन दूल्हा माना ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे दूल्हे ने नशा किया हो और उसी नशे में वो नाचता चला गया। दुल्हन अंदर वरमाला लेकर खड़ी रही, जिससे दुल्हन के पिता काफ़ी नाराज़ हो गए। और जब बाराती और दूल्हा अंदर नहीं आए बहुत बार बोलने पर भी, तो फिर दोनों पक्षों के बीच आर्ग्यूमेंट हो गया, जिसके बाद दुल्हन वालों ने भी दूल्हे और दूसरे बाराती की जमकर पिटाई कर ली। कुछ ही देर में ये मामला पंचायत में चला गया और पंचायत में फैसला हुआ कि क्योंकि लड़की के घर में मंडप लग गया है, लड़की दुल्हन बनकर तैयार थी, हाथ में वरमाला भी थी, लड़की की कहीं गलती नहीं और लड़का जो है गैर जिम्मेदार था, यही कारण है कि इस लड़के से तो नहीं लेकिन यहीं पर इसी मंडप में इस लड़की की शादी होगी, तुरंत लड़का ढूंढा जाए और लड़की की शादी की जाए। जिसके बाद बारातियों में से ही एक लड़का दुल्हन के पिता को पसंद आया। सबसे बड़ी बात, वो लड़का दुल्हन का भी दोस्त निकला। उस लड़के की मनुहार की लड़की के पिता ने और वो लड़का कुछ ही देर में इस लड़की से शादी करने के लिए भी मान गया। उसके बाद दुल्हन ने जो वरमाला वो उस दूल्हे के लिए लेकर खड़ी थी वही वरमाला बारात में आए उस लड़के को पहनाई और दोनों ने उसी मंडप में शादी कर ली। दूल्हा देखता रह गया। इधर दूल्हे की भी ईगो पर आ गई कि जैसे दुल्हन ने घंटों में फैसला लेकर उसे छोड़कर किसी और से शादी की, तो दूल्हे ने भी अगले ही दिन दूसरी लड़की से शादी कर ली। अब दोनों अलग अलग लोगों से विवाहित हैं और दोनों में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इनका मानना है कि शायद वो शादी होनी ही नहीं थी, इसीलिए वो शादी नहीं हुई। शादियाँ स्वर्ग में बनती है और लिखा था कि हमारी शादी आपस में नहीं बल्कि किसी और से हो, इसीलिए संजोग ऐसा बैठा कि सेम मंडप में हमारी शादी अलग अलग लोगों से हुई। इस मान्यता को मानते हुए ये दोनों अब सुखी जीवन निभा रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा मामला है अपने आप में सभी तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे दूल्हे के समय पर शादी पे नहीं पहुंचने के कारण दुल्हन ने किसी और से शादी कर ली और कैसे दूल्हा अपनी ही बारात में इतना नाचा कि अंदर शादी में जाने को ही तैयार नहीं हुआ। दुल्हन का कहना है कि उसे दूल्हे की ये हरकत अच्छा हुआ शादी के पहले ही पता चल गई, नहीं तो शायद वो जिंदगी भर परेशान होती। दुल्हन ये शादी नहीं कर बेहद खुश है।